In this lecture, we will discuss a very important topic, and the name of that topic is meter. So we should try to know what is meter. So meter is the arrangement of stressed and unstressed syllables in poetry lines. Now, you must know what is the meaning of stressed, what is the meaning of unstressed, and what is the meaning of syllable. So, without understanding the meaning of stressed, unstressed syllable, you can't understand meter. First of all, we will talk about syllable, that what is syllable. Technically speaking, syllable is next higher unit than an individual speech sound. This is the proper definition of syllables from phonetics point of view. That what is syllable? Syllable is next higher unit than an individual speech sound. Individual means a single. Ek sound se jo badi ikai hoti hai, usse hum phonetics mein syllable kehte hain. Now, individual means single speech sound. Now, you know that in phonetics, there are 44 sounds. So, 44 sounds se, जो उसमें जितने भी 44 साउंड्स में जो 44 साउंड्स है दे आर सिंगल स्पीच साउंड्स, उनसे जो नेक्स्ट बड़ी इकाई होती है दैट इज कॉल्ड सिलेबल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिलेबल. अब सिलेबल डिपेंड्स किस पे करते हैं? सिलेबल डिपेंड्स अपॉन वाउल साउंड्स. यू ऑल नो दैट 44 साउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वाउल साउंड्स. We have 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. And syllable depends upon vowel sound. Syllable kiske upar depend karte hain? Vowel sounds pe depend karte hain. Aapko dhyan rakhna hai. Means without vowel sound, there can't be syllable. Vowel sound ke bina syllable nahi ho sakta. If in a word there are two vowel sounds, agar kisi word mein do vowel sound hai, it means there are two syllables. If in a word there are five vowel sounds, it means there are five syllables in that word. So syllable depends upon the number of vowel sounds. ये तो हमारी technical बात है. अब हम थोड़ा सा practical बात करते हैं syllable को समझने की. अगर हम phonetics, अगर vowel sound की point of view से देखें तो हमें उनकी transcription करनी पड़ेगी. फिर हम वाउल काउंट करेंगे कि कितने वाउल साउंड आ गए और फिर काउंट करना. इट्स अ लेंथी प्रोसेस. बड़ी सिंपल से एक टेक्निकल और एक बड़ी प्रैक्टिकल जो इसकी आइडेंटिटी है सिलेबल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय प्रोनाउंसिंग ए वर्ड. आप एक शब्द को बोलिए, जैसे मैं आपको वर्ड देता हूं डी ओ सी टी ओ आर. अब जब इस वर्ड को आप बोलोगे डी ओ सी टी ओ आर, जैसे मैं बोल के दिखाता हूं डॉक्टर. अब देखो इस वर्ड को मैंने बोला, चाहे मैं इसको जितना मर्जी फास्ट बोलूं डॉक्टर, तो देखो डॉक के बाद मैं रुक रहा हूं. अगर आप भी इस वर्ड को बोलोगे डी ओ सी टी ओ आर, तो आप भी डॉक के बाद रुकोगे. तो ये बड़ा सिंपल तरीका होता है सिलेबल आइडेंटिफाई करने का. अदरवाइज थियोरेटिकल तो मैंने इतनी डेफिनेशन दी है, आपको बताया ये सारा कुछ क्या होता है. अब मैंने डॉक्टर बोला तो डॉक्टर में टू सिलेबल है. पहला सिलेबल है डॉक, दूसरा है टी ओ आर. तो जब आप किसी वर्ड को बोलते हो जहां थोड़ा सा ठहराव आता है तो एक सिलेबल खत्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है. तो इन डॉक्टर आफ्टर डॉक वी आर स्टॉपिंग, इट मींस डॉक इज द फर्स्ट सिलेबल, टी ओ आर इज द सेकंड सिलेबल. एक बार और लीजिए आप टीई ए सी एच, टीई ए सी एच ई आर. अब आप इस शब्द को बोलिए. अगर आप इस शब्द को बोलोगे तो क्या बोलोगे? टीचर. देखो टी के बाद आप रुक रहे हो, टीचर टीचर टी के बाद आप रुक रहे हो. इसका मतलब टी ई ए हमारा एक सिलेबल है, सी एच ई आर हमारा दूसरा सिलेबल है. तो सिलेबल आइडेंटिफाई करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप वर्ड को बोल के देखिए. क्लियर? जब आप उस वर्ड को बोलोगे तो जहां ठहराव आएगा वहां एक सिलेबल खत्म, दूसरा शुरू. अब मेरे ख्याल में आपको सिलेबल तो आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे जब हम यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इस टॉपिक में. मीटर डिफरेंट टाइप्स का होता है, मोनोमीटर,
डाई मीटर, ट्राई मीटर, वो मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की, कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। स्ट्रेस्ड सिलेबल का मतलब वो सिलेबल होता है जिसको हम जोर से बोलते हैं। सिलेबल प्रोनाउंस्ड विद लॉन्गर ब्रेथ, जिसको हम ज्यादा ब्रेथ के साथ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड सिलेबल, उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सिलेबल्स इन द वर्ड। बाकी उस वर्ड में जितने सिलेबल होते हैं तो उससे अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको डी ओ सी टी ओ आर, अब इस वर्ड को देखे बोलिए हम क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर, किस सिलेबल को ज्यादा जोर लगा के बोल रहे हैं? डॉक को, डी ओ सी डॉक को। इसका मतलब डॉक हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल है। दो देयर आर 100 रूल्स रिलेटिंग टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से रिलेटेड 100 रूल्स हैं। सो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डील ऑल द रूल्स विद यू, कि मैं 100 रूल्स आपको स्ट्रेस के डिस्कस करूं कि स्ट्रेस कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी। बट मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं कि स्ट्रेस सिलेबल का मतलब वो सिलेबल जिसको हम ज्यादा जोर से बोलते हैं। डॉक्टर, इन डॉक्टर वी हैव द टू सिलेबल, वन इज डॉक, सेकेंड इज टी ओ आर। तो डॉक को ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, तो डॉक तो हमारा क्या है जी भाई, स्ट्रेस सिलेबल है, और टी ओ आर हमारा क्या है जी, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब एक वर्ड और लिख लीजिए, टी ई ए सी एच ई आर, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब इसको बोल के देख लीजिए। टीचर, इसमें दो सिलेबल है, टी और च, जोर लगा के किसको बोल रहे हैं? टी को, टी को। तो टी इज स्ट्रेस्ड सिलेबल, सी एच ई आर इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और बहुत सारे लेक्चर्स फोनेटिक्स पे आई विल डिलीवर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सिलेबल क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होते हैं और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होते हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल इज आल्सो कॉल्ड अक्सेंटेड सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज आल्सो कॉल्ड अनअक्सेंटेड सिलेबल। सो व्हाट इज मीटर? मीटर इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को अरेंज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मीटर। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, द लाइट दैट लाइज इन वुमेन्स आईज। थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए मैं बता दूं कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहां होंगे, जस्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू। मैंने आपको मोफोलॉजी का टॉपिक करवाया था और उसमें मैंने आपको कॉन्टेंट वर्ड्स करवाए थे, इफ यू रिमेंबर कॉन्टेंट वर्ड्स, नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स। अब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स हमेशा स्ट्रेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड, उनके ऊपर स्ट्रेस लगती है। और जितने भी हमारे ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स होते हैं, सच एज प्रोनाउन, देन वी हैव प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, समझ में आ गया? ये हमारे क्या होते हैं? अनस्ट्रेस्ड होते हैं। दे आर अनस्ट्रेस्ड। इज इट क्लियर? अब इसको हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू नाउ कंसंट्रेट हियर। देखिए, द हमारा आर्टिकल है, ये हमारा अनस्ट्रेस्ड है, ध्यान रखना। प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमारी सारी क्या होंगी? अनस्ट्रेस्ड होंगी। स्ट्रेस कौन कौन सी होंगी? आप कॉपी पे लिख सकते हो, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये हमारे स्ट्रेस्ड होती हैं। तो इस लाइन में देखिए, आप पहली लाइन में देखो, द हमारा आर्टिकल है, अनस्ट्रेस्ड है। लाइट
हमारा नाउन है स्ट्रेस्ड है, दैट हमारा प्रनाउन है अनस्ट्रेस्ड, लाई हमारी वर्ब है स्ट्रेस्ड। तो देखो अरेंजमेंट की गई है, क्या अरेंजमेंट की गई, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद क्या आ रहा है स्ट्रेस्ड सिलेबल, फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद क्या आ रहा है स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसी को तो मीटर कहते हैं। मीटर मींस अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब दूसरी लाइन में देखिए सेम अरेंजमेंट की गई है, इन हमारा प्रेपोजिशन है अनस्ट्रेस्ड है। अब इस वर्ड को बोलिए डब्ल्यू ओ एम ए एन, जरा बोलिए इसमें कितने हैं, दो हैं, दो सिलेबल हैं, आप बोल के देख लीजिए, वुमन वुमन, तो इसमें स्ट्रेस किस पे लग रहा है, वू पे, तो वो हमारा स्ट्रेस्ड है। मैन हमारा जो इसमें अनस्ट्रेस्ड है क्योंकि दो सिलेबल है, एक एक वर्ड में सिर्फ एक ही स्ट्रेस्ड हो सकता है, फिर मैन हमारा अनस्ट्रेस्ड हुआ, फिर आईज हमारा क्या हो गया नाउन है तो स्ट्रेस्ड हो गया। तो आपने दोनों लाइनों में एक अरेंजमेंट देखी, क्या अरेंजमेंट चल रही है कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद क्या आ रहा है स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद क्या आ रहा है स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसी को मीटर कहते हैं। सो व्हाट इज मीटर, मीटर इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड अरेंजमेंट क्या होती है। अब मीटर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है उसका नाम होता है फुट। अब फुट क्या होता है, फुट इज ए यूनिट इन मीटर, फुट एक मीटर में यूनिट होता है। नॉर्मली अ फुट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेबल्स, एक फुट में कितने सिलेबल होते हैं, दो, बट समटाइम्स इन ए फुट देर मे बी थ्री सिलेबल्स, समटाइम्स इन ए फुट देर मे बी थ्री सिलेबल्स। तो नॉर्मली फुट में दो सिलेबल होते हैं, ध्यान रखना आपको, दो सिलेबल को मिलकर एक फुट बनता है, और उस दो सिलेबल में नॉर्मली अ फुट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेबल्स, और उस एक फुट में एक अक्सेंटेड होगा, अक्सेंटेड मींस स्ट्रेस्ड, मैंने आपको बताया था, एंड सेकंड इज अनस्ट्रेस्ड विच इज कॉल्ड अनअक्सेंटेड। सो अ फुट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेबल्स, वन सिलेबल इज स्ट्रेस्ड एंड द सेकंड इज अनस्ट्रेस्ड। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, मैंने फुट बना के दिखाए आपको, एक फुट बना हमारा द लाइट, ये एक फुट बना है क्योंकि इसमें देखो दो आ गए, देखो पहला क्या है अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है। फुट कंसिस्ट ऑफ, फुट एक यूनिट होता है मीटर का, और एक फुट में कितने सिलेबल होते हैं, दो, उन दो सिलेबल में से एक स्ट्रेस्ड होगा दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा, कोई भी स्ट्रेस्ड हो सकता है कोई भी अनस्ट्रेस्ड हो सकता है, एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस होना जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया द लाइट दैट लाइज, अब देखो द लाइट दो सिलेबल बने एक फुट बन गया, जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड है दूसरा स्ट्रेस्ड है, फिर हमने दो सिलेबल से एक और फुट बनाया दैट लाइज, दैट अनस्ट्रेस्ड है लाइज स्ट्रेस्ड है। फुट डिवीजन को दिखाने के लिए हम ये स्लैश यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं, फिर इन वो में हमारे पास दो सिलेबल आए इन अनस्ट्रेस्ड वो स्ट्रेस्ड, मैन में मैन अनस्ट्रेस्ड आई स्ट्रेस्ड, तो ये हमारा फुट है। तो फुट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ टू सिलेबल्स, उसमें दो सिलेबल्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है, वन स्ट्रेस्ड वन अनस्ट्रेस्ड, बट समटाइम्स इन ए फुट देर मे बी थ्री सिलेबल, कई बार एक फुट में तीन सिलेबल भी होते हैं लेकिन तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम एक फुट में कितने सिलेबल हो सकते हैं, थ्री, नॉर्मली टू सिलेबल्स होते हैं, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में इन ए फुट देयर मे बी मोर देन थ्री सिलेबल्स, वो हमारे मीटर के टाइप पे डिपेंड करता है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, बट देयर कांट बी मोर देन थ्री सिलेबल्स इन ए फुट, ये आपने फुट के बारे में जाना। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मीटर अकॉर्डिंग टू फुट, फुट के अकॉर्डिंग मीटर कितने प्रकार के होते हैं, अब ये ध्यान से सुनना आपने। अगर किसी वर्ड में
दो सिलेबल्स हैं, सॉरी, अगर किसी लाइन में या अगर किसी वर्ड में दो सिलेबल है, किसी लाइन में कितने सिलेबल है, दो सिलेबल है, तो उसे हम कहेंगे मोनोमीटर, क्योंकि दो सिलेबल बन के क्या बना, एक फुट। फुट को हम लेते हैं क्राइटेरिया, दो सिलेबल से बना एक फुट, उसको क्या कहेंगे, मोनोमीटर। मोनो मैंने क्या था, सिंगल, मोनोमीटर। अगर किसी लाइन में फोर सिलेबल्स हैं तो इसका मतलब कितने फुट हुए, दो फुट हुए, उसे हम क्या कहते हैं, डाईमीटर। डाई मैंने क्या होता है, टू। अगर किसी लाइन में सिक्स सिलेबल्स हैं तो हमारे फुट कितने हो गए, थ्री, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राईमीटर। ट्राई मैंने क्या होता है, तीन। अगर किसी लाइन में एट सिलेबल्स हैं तो हमारे फुट कितने हो गए, फोर, और फोर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेट्रा, टेट्रामीटर। अगर किसी लाइन में टेन सिलेबल्स हैं, इसका मतलब कितने फुट बन गए, पांच फुट बन गए, और पांच को क्या कहते हैं, पेंटा, तो उसको क्या कहेंगे, पेंटामीटर। अगर किसी लाइन में ट्वेल्व सिलेबल्स हैं, इसका मतलब कितने फुट बन गए, सिक्स फुट, और सिक्स को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, हेक्सा, तो क्या बन गया, हेक्सामीटर। इसको हम अलेक्जेंड्रियन भी कहते हैं, जैसे स्पेंसरियन स्टेंजा में अगर आपको याद हो, अ स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ नाइन लाइंस, द फर्स्ट एट लाइंस आर इन इम्बिक पेंटामीटर, पहली आठ लाइन तो पेंटामीटर में होती हैं, मींस हर लाइन में दस सिलेबल होते हैं, बट इन द सिक्स्थ लाइन देयर आर ट्वेल्व सिलेबल्स एंड सिक्स्थ लाइन इज सॉरी इन द नाइन्थ लाइन देयर आर ट्वेल्व सिलेबल्स एंड द नाइन्थ लाइन इज कॉल्ड अलेक्जेंड्रिन। तो ट्वेल्व सिलेबल मीन्स सिक्स फुट, और सिक्स को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, हेक्सा, तो हेक्सामीटर या अलेक्जेंड्रिन भी कहते हैं। अगर किसी लाइन में 14 सिलेबल्स होंगे, इसका मतलब कितने फुट हो गए, सेवन फुट हो गए, और सेवन को इंग्लिश मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, हेप्टा, तो क्या कहते हैं, हेप्टामीटर। अब 14 सिलेबल्स हैं, एक हमारी पोइट्री की फॉर्म भी होती है जिसे हम कहते हैं फोर्टीनियर। फोर्टीनियर का मतलब क्या होता है, ए लाइन कंटेनिंग 14 सिलेबल्स। फिर हमारे पास अगर किसी लाइन में 16 सिलेबल्स हो तो कितने फुट बन गए, आठ, और आठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्टा, तो क्या बन गया, ऑक्टामीटर। अगर किसी लाइन में 18 सिलेबल्स होंगे, इसका मतलब कितने फुट बन गए, क्योंकि एक फुट में दो सिलेबल होते हैं, नाइन फुट बन गए, और नाइन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नैनो, तो नैनोमीटर आ गया। और अगर किसी लाइन में 20 सिलेबल्स हैं, इसका मतलब कितने फुट बन गए, 10 फुट बन गए, और उसे हम क्या कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं, डेका, तो क्या बन गया, डेकामीटर। तो दिस इज टाइप ऑफ मीटर अकॉर्डिंग टू फुट, फुट के अकॉर्डिंग मीटर इस प्रकार हमारे टाइप होते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मीटर अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट of stressed and unstressed syllable. अब stressed और unstressed syllable की arrangement के according meter के कौन से type होते हैं? First meter होता है जिसे हम कहते हैं iambic. और maximum English poetry is written in iambic meter. जो English poetry है वो किस में लिखी गई है? Iambic poetry में, iambic meter में. Now what is iambic? Iambic में क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें सिलेबल को कैसे अरेंज किया जाता है? सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है और उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है और ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहता है। सो इफ इन ए लाइन द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल रेगुलरली, तो हम कहते हैं कि उस लाइन में कौन सा मीटर है? इयाम्बिक मीटर है। इसलिए आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, इयाम्बिक है, ट्रोकाइक है, डेक्टामीटर है, तो यू विल कम टू नो। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, जरा उसी को देख लीजिए। द लाइट, लाइट में देखो कैसे अरेंजमेंट है, द अनस्ट्रेस्ड है, उसके बाद स्ट्रेस्ड आ रहा है, दैट अनस्ट्रेस्ड है, उसके बाद स्ट्रेस आ रहा है, इन अनस्ट्रेस्ड है, उसके बाद स्ट्रेस आ रहा है, मैन अनस्ट्रेस्ड है, उसके बाद स्ट्रेस आ रहा है, तो कैसे अरेंजमेंट हो रही है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस, unstressed syllable followed by stressed,
तो इसमें कौन सा मीटर है? इयाम्बिक मीटर है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इयाम्बिक मीटर क्या होता है। और फुट के अकॉर्डिंग कितना बता सकते हो आप क्या है? फुट के अकॉर्डिंग कितने सिलेबल है इसके अंदर? काउंट करो, द में सिंगल, लाइट में सिंगल, दो, दैट में सिंगल, लाइज में सिंगल, इसका मतलब टोटल कितने हो गए? चार सिलेबल हो गए। और चार सिलेबल को किससे कितने बनते हैं? दो फुट। तो इसका मतलब इसमें कौन सा है? इसमें हम कहेंगे इयाम्बिक डायमीटर। इयाम्बिक तो होगी अरेंजमेंट, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। और टोटल सिलेबल काउंट के तो चार फुट कितने बने? दो। तो कौन सा इसमें मीटर है? इयाम्बिक डायमीटर। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लाइन में कौन सा मीटर है। नेक्स्ट हमारी वैरायटी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रोकी और ट्रोकाइक। इयाम्बिक में क्या था? अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। अब उसको उल्टा कर दो, स्ट्रेस पहले ले आओ। इयाम्बिक में था कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस्ड आता था, अब उसको रिवर्स कर दो तो क्या हो गया? स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। इसमें क्या होगा? स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। आपने मीटर को इसी तरीके से याद रखना है, याम्बिक से स्टार्ट करना है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। ट्रोकी में रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रेस्ड जो पीछे आ रहा था वो आगे आ जाएगा, अनस्ट्रेस्ड जो आगे आ रहा था पीछे हो जाएगा। इसमें क्या होगा? स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जरा एग्जाम्पल देखिए, ऑल दैट वॉक ऑन फुट राइड इन चैरियट्स, ऑल दैट ड्वेल इन पैलेसेस और कैरेट्स। आप इसके अरेंजमेंट देखिए जरा, ऑल हमारा एडजेक्टिव है, स्ट्रेस रहेगा, दैट प्रोनाउन है, अनस्ट्रेस रहेगा, वॉक हमारी वर्ब है, स्ट्रेस रहेगी, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, अनस्ट्रेस रहेगा, फुट हमारा नाउन है, स्ट्रेस रहेगा, और हमारा कंजक्शन है वो, या दैट इज दैट विल बी अनस्ट्रेस्ड। राइड हमारी वर्ब है, स्ट्रेस रहेगा, इन हमारा प्रेपोजिशन है, अनस्ट्रेस रहेगा, और चैरियट्स में दो सिलेबल है। अगर आप बोल के देख लो, चैरियट चै पे रुकते हैं और एक रियट, ठीक है, तो चैरियट, तो इसमें चै हमारा स्ट्रेस है। तो देखो क्या सीक्वेंस आ रही है, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। तो ऊपर वाला पैटर्न चल रहा है ना, तो इसमें कौन सा मीटर है? ट्रोकाइक मीटर है। लेकिन फुट के आधार पर कितना है जरा काउंट कर लो आप, इसमें कितना है? ऑल एक साथ बोल रहे हो, कोई रुक नहीं रहे, तो एक सिलेबल है, दैट भी एक साथ बोल जाते हो दूसरा सिलेबल है, वॉक एक साथ बोल जाते हो थ्री थर्ड सिलेबल आ गया, ऑन एक साथ बोल जाते हो फोर्थ सिलेबल आ गया, फुट पांचवा सिलेबल, और सिक्स, हाइड सेवंथ, और इन एट्थ। और इसमें क्या जी हमारे चैरियट्स में एक्चुअली तीन है, इसके अंदर दो नहीं है, चैरियट्स। तो टोटल कितने सिलेबल हो गए? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और तीन ग्यारह, एक एक्स्ट्रा निकल गया, कोई बात नहीं, इसको दस ही काउंट करेंगे। इसका मतलब इसमें कौन सा मीटर है? ट्रोकाइक पेंटामीटर। पेंटामीटर कौन सा? ऑन द नंबर ऑफ फुट। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। थर्ड हमारी वैरायटी आती है एनापेस्टिक, एनापिस्ट और एनापिस्टिक। अच्छा, इयाम्बिक में क्या था? अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, उसी पैटर्न को लेके चलते हैं। एनापिस्टिक में क्या होगा? एक अनस्ट्रेस्ड आता था, आप दो अनस्ट्रेस्ड लगा दो तो क्या आ गया? टू अनअक्सेंटेड सिलेबल्स फॉलोड बाय वन अक्सेंटेड सिलेबल। तो एनापिस्टिक में क्या होता है? दो अनस्ट्रेस्ड आते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेस आता है, फिर दो अनस्ट्रेस्ड आते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेस्ड आता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनापिस्टिक और एनापिस्ट, अगर सिलेबल को ऐसे अरेंज किया गया है। जरा एग्जाम्पल देखिए, लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द वूम, लाइक ए गोस्ट फ्रॉम द टूम। अब लाइक
हमारा अनस्ट्रेस्ड है, अ हमारा आर्टिकल है अनस्ट्रेस्ड है, चाइल्ड हमारा नाउन है स्ट्रेस्ड है, फॉर हमारा प्रेपोजिशन है अनस्ट्रेस्ड है, द हमारा आर्टिकल है अनस्ट्रेस्ड है, वूम हमारा नाउन है स्ट्रेस्ड है, लाइक फिर अनस्ट्रेस्ड है, अ आर्टिकल फिर अनस्ट्रेस्ड है, गोस्ट हमारा नाउन है फिर स्ट्रेस्ड है, फ्रॉम आर्टिकल द जो हमारा है, फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, टू हमारा नाउन है। तो आपने देखा होगा कैसे अरेंजमेंट हो रही है, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद एक स्ट्रेस्ड आ रहा है, दो अनस्ट्रेस्ड के बाद एक स्ट्रेस्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार अरेंजमेंट की गई है। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल तो ये एनापिस्टिक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फुट इसको काउंट करते हैं, क्या है, कितने फुट हैं, सिलेबल काउंट कर सकते हो, लाइक में एक सिलेबल है, अ में सेकंड सिलेबल, चाइल्ड में सिंगल है थ्री, फ्रॉम में फोर्थ, द फिफ्थ, वू में इकट्ठा बोल रहे हैं सिक्स्थ, लाइक अगेन वन, अ अगेन वन, गोस्ट अगेन वन, तो हमारे नाइन तो यहां तक हो गए, फ्रॉम टेन, द इलेवेंथ, टूम ट्वेल्व, तो इसके अंदर 12 सिलेबल है, 12 सिलेबल मिलकर कितने फुट बनाते हैं, 6 फुट, और 6 फुट को क्या कहते हैं, हेक्सामीटर। तो इसमें कौन सा मीटर है, अभी एनापिस्टिक हेक्सामीटर है। नेक्स्ट हमारी वैरायटी है डेक्टाइल और डेक्टाइलिक। जैसे आपको इयाम्बिक में क्या था, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, ट्रोकाइक में उसको उल्टा कर दिया था, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, अभी हमने किया था एनापिस्टिक, एनापिस्टिक में क्या था, टू अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, उसी को उल्टा कर दो, स्ट्रेस को आगे ले आओ, इसका मतलब पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल उसके बाद दो अनस्ट्रेस्ड। तो डेक्टाइलिक कब बनता है, व्हेन वन एक्सेंटेड सिलेबल स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसलिए मैंने ये जो स्लाइड्स हैं वो बड़ी सीक्वेंस में बनाई है, क्या आप भूलो मत कि एनापिस्टिक में टू अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड होता था, डेक्टाइलिंग में उसको उल्टा कर दो, स्ट्रेस आगे ले जाओ और उसके बाद वो अनस्ट्रेस्ड आ जाते हैं। जरा एग्जांपल देखिए, कोल्ड इज थाई हार्ट एंड इज फ्रोजन एज चैरिटी, कोल्ड हमारा एडजेक्टिव है, स्ट्रेस्ड है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अनस्ट्रेस्ड है, दाई हमारे पुराने शब्द है, दाई का मतलब योर होता है जो प्रनाउन, ठीक है, वो हमारा अनस्ट्रेस्ड है। हार्ट देखो इसमें क्या आया, कोल्ड स्ट्रेस्ड उसके बाद दो अनस्ट्रेस्ड, नाउ हार्ट हमारा नाउन है स्ट्रेस्ड हो गया, एंड हमारा लिंकर है अनस्ट्रेस्ड, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है अनस्ट्रेस्ड। तो देखो क्या पैटर्न चल रहा है, स्ट्रेस्ड के बाद दो अनस्ट्रेस्ड आ रहे हैं। सिमिलरली आप फ्रोजन में आ जाओ, फ्रोजन में दो सिलेबल्स है, आप बोल के देख लो, फ्रोजन, फ्रोजन, क्लियर, फ्रो हमारा स्ट्रेस्ड है, जन हमारा अनस्ट्रेस्ड है, और एज भी हमारा अनस्ट्रेस्ड है। चैरिटी में भी तीन है, आप देख लो सिलेबल बोल के देख लो, चैरिटी तीन है, तो उसमें भी स्ट्रेस कहां लग रही है, पहले पे, र हमारा अनस्ट्रेस्ड है, टी हमारा अनस्ट्रेस्ड है। तो आपने देखा इस एग्जांपल में कि कैसे अरेंजमेंट की गई है सिलेबल की, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड, इसी को हम डेक्टाइलिक कहते हैं। डेक्टाइलिक तो हो गया अरेंजमेंट ऑफ मीटर, ठीक है। अब सिलेबल काउंट कर लेते हैं, कौन सा मीटर है, कितने इसमें सिलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9 और 3, 12 हो गए, तो 12 हो गए तो क्या बन गए, 6 फुट, और उसको क्या कहते हैं, हेक्सामीटर। तो इसमें क्या है जी भाई, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एम्पी ब्रेक, या इसे हम एम्पी ब्रेक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या आता है, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बीच में आता है, पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, फिर स्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। सो इन एम्पी ब्रेक स्ट्रेस्ड सिलेबल कम्स बिटवीन टू अनअक्सेंटेड सिलेबल, तो दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बीच में आता है, क्या भाई, स्ट्रेस्ड सिलेबल। जरा एग्जांपल देखिए, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, आई थिंक यू रिमेंबर दिस कोट हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर प्ले एज यू लाइक इट। अब आप देखिए, मोस्ट हमारा अनस्ट्रेस्ड है, फ्रेंड
शिप में दो हमारे सिलेबल हैं, बोल के देख लो, फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड हमारा स्ट्रेस्ड है, शिप पीछे लगा है, जो पीछे जो लगता है उसे हम सफिक्स कहते हैं, पंजाबी में पचेत्र कहते हैं, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, और इंग्लिश में एक रूल होता है कि सफिक्स पे, प्रत्यय पे, पचेत्र पे कभी भी स्ट्रेस नहीं लगती। मैंने आपको बताया ना 100 रूल्स है स्ट्रेस के, मैं सारे रूल्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, मैं आपको जितना इजी हो रहा है उतना इजी करके आपको समझा रहा हूं। तो इसमें देखिए, मोस्ट अनस्ट्रेस्ड है, फ्रेंड हमारा स्ट्रेस्ड है, शिप हमारी अनस्ट्रेस्ड है, फिर इज हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे अनस्ट्रेस्ड है, आईएनजी फिर सफिक्स दिया हुआ है, वो फिर स्ट्रेस नहीं लगेगा, मेन वर्ड कौन सा है, मैंने आपको बताया था फाइन, उसके ऊपर लगेगी, तो इज अनस्ट्रेस्ड हुआ, इन अनस्ट्रेस्ड हुआ, फाइन हमारा स्ट्रेस्ड हुआ, तो कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, तो ये कौन सा यहाँ पे मीटर है, एम्प्टी ब्रेक मीटर है। अब आप टाइप्स ऑफ सिलेबल के टाइप्स ऑफ सिलेबल अकॉर्डिंग टू फुट देखते हैं, कितने हमारे सिलेबल हैं, 1, 2, 3, 4 और तो 6 हैं। अगर एक लाइन में 6 सिलेबल होते हैं तो इसमें कितने फुट होते हैं, 3, तो उसका क्या होगा, ट्राई मीटर, तो इसमें कौन सा हमारा मीटर है, एम्फीब्रेक ट्राई मीटर। नेक्स्ट इज कॉल्ड स्पॉन्डी, इसे हम स्पॉन्डिया भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, ये बहुत कम पॉइंट में यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू यूज ऑल द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, सारे स्ट्रेस्ड सिलेबल यूज करना बहुत मुश्किल होता है, तो दिस इन दिस टाइप ऑफ मीटर स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अनदर स्ट्रेस्ड सिलेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम, से मैंने एग्जाम्पल दिया, गुड स्ट्रॉन्ग थिक स्टुपिफाइन इनसेंस स्मोक, स्मोक तो हमारा क्या है जी, नाउन है, और उससे पहले जितने भी वर्ड दे रखे हैं सारे एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव पे क्या लगती है भाई, स्ट्रेस लगती है, इसका मतलब गुड भी स्ट्रेस्ड है, स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रेस्ड है, थिक भी स्ट्रेस्ड है, ठीक है, स्टुपिफाइंग में थोड़ा सा चेंज होकर आता है, क्योंकि इसमें स्टुपिफाइंग में मेन वर्ड है स्टुपी, उसके ऊपर तो स्ट्रेस लगता है, बाकी स्ट्रेस नहीं लगता, इन सेंस में भी इन पे स्ट्रेस नहीं लगेगा, सेंस पे स्ट्रेस लगेगा, क्योंकि इन हमारा प्रीफिक्स है, ना प्रीफिक्स पे स्ट्रेस लगती है, ठीक है, ना अगेतर पे, और स्मोक हमारा क्या जी, नाउन है। तो अगर आप किसी लाइन में एक तरह के मीटर की फ्रीक्वेंसी पाते हो कि इसके अकॉर्डिंग ज्यादा अरेंजमेंट है, तो हम उस मीटर के साथ जाते हैं, तो इस लाइन में कौन सा मीटर है, स्पॉन्डी मीटर है, आप इसमें सिलेबल काउंट कर लो, गुड में 1, स्ट्रॉन्ग में 1, थिक में 1, 3, स्टूपिफाइंग 4 है इसके अंदर, तो 1, 2, 3, 3 और 4, 7, इनसेंस में 2 है, इनसेंस 9 और एक स्मोक में 1 है 10, तो 10 हो गए, 10 होने के बाद फुट कितने बने, 5, तो इसमें कौन सा मीटर है, स्पॉन्डी पेंटामीटर। नेक्स्ट इज पिरिक, नाउ व्हाट इज पिरिक, जैसे स्पॉन्डी में क्या होता है, 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं, इन स्पॉन्डी 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर यूज्ड, मींस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अनदर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, बस इतना आपने याद रखना है पिरिक के बारे में, मैंने तो आपको बहुत डिटेल से समझाया, आपके एग्जाम में तो इतना डिटेल कभी आएगा नहीं, आपको तो सिंपल सा पूछ लेंगे कि अगर 6 फुट हो तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, अगर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड है तो उसको क्या कहेंगे, ये लाइन देके थोड़ी पूछेंगे, बट आई हैव क्लियर्ड यू विद द हेल्प ऑफ द लाइंस आल्सो कोटेशन। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्केंजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केंजन, अभी तक मैंने जितना आपको करके दिखाया, एक लाइन का एनालिसिस करके दिखाया कि मैंने उसको पहले, सबसे पहले क्या किया, सिलेबल में बांटा, फिर मीटर के अरेंजमेंट दिखाई, इसे हम स्केंजन कहते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज स्केंजन, स्केंजन मींस डिवाइडिंग ए लाइन ऑफ पोइट्री इनटू इट्स सेवरल फीट, कि एक पोइट्री की लाइन को, पोइट्री पोइम की एक एक लाइन को क्या करना, अलग अलग फीट में बांटना, फिर उसका हमने मीटर बताना और फिर फीट काउंट करना कि उसमें कितने फीट थे, अभी तक हम स्केंजन ही कर रहे थे, ठीक है, तो स्केंजन में सबसे इंपॉर्टेंस हम किसको रोल देते हैं, एक्सेंटेड सिलेबल को, स्ट्रेस्ड सिलेबल को,
unaccented unstressed syllable is not given importance. Taken to weave for the birds it had left with regret. वैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा, मैं इसको एनालिसिस नहीं करने वाला. So that's all about this topic, meter. So I hope that you will be able to understand this lecture. So if you want to watch more videos relating to English literature, linguistic literature, research methodology, literary theory, literary criticism, American literature, Indian literature, European literature. So don't forget to download my app, Oxbridge English from Play Store, and the link of this app is given in the description box. Thanks for watching the lecture.